अस्सलाम वालेकुम, मैं आज़म अली ख़ान यूसुफ़ज़ई ख़बर दोपहर में आपका खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले हेडलाइंस पर नज़र डालेंगे। दो हज़ार इक्कीस कोरोना के इलाज की उम्मीद लेकर आ रहा है, टीका अंदाजी के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, वज़ीर आज़म का खिताब। मरकज के जरी कवानीन के खिलाफ केरला असम्बली में इत्तेफाक राय से करारदाद मंजूर, मरकज से कवानीन से दस्तबरदारी का मुतालबा। केरला असम्बली में मंजूर करारदाद पर किसान तंजीमों का इजहार मुसर्रत, दूसरी रियासतों को भी तकलीद का मशवरा। किसानों के शुभात को दूर करने हुकूमत की मुमकिन कोशिशें, नीति आयोग के नायब सदर नशीन का रद्द अमल, किसान अपनी जिद छोड़ दें, बीजेपी लीडर का मशवरा। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंदू मंदिर को हुए मुबैना नुकसान के खिलाफ हिंदू कायदीन की बरहमी, वजीर आजम पाकिस्तान से कार्रवाई का क्या मुतालबा। जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदों की सरगर्मियों में गैर मामूली कमी, डीजीपी दिलबाग सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में नए साल की तकारीब के मामले में हुकूमत के रवैये पर हाईकोर्ट की सरजनिश, लापरवाही का इल्जाम। हैदराबाद में नए साल की तकारीब के मौके पर फ्लाई ओवर्स बंद, शराब की दुकानें खुले रखने पर आवाम हैरत ज़दा।